भी यूनियन बैंक में अकाउंट है और आप बिना एटीएम कार्ड के बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम मशीन के क्यूआर कोड को स्कैन करके पैसे निकालना सीखना चाहते हैं, तो आज मैं इस वीडियो में ए टू जेड सारा प्रोसेस बताने वाला हूं। यहां पे आपको एटीएम कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ आपको यूपीआई पिन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आप गूगल पे, फ़ोनपे, अमेजोन पे वगैरह यूज करते होंगे, जैसे दुकान वगैरह पे जाते होंगे, कुछ शॉपिंग करते हैं या सामान वगैरह लेते हैं, तो वहाँ पर आप जो स्कैनर देखते हैं उसे स्कैन करके सामने वाले को पेमेंट कर देते हैं अपना यूपीआई पिन डाल के। आप उसी प्रकार से अपना बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम मशीन के क्यूआर कोड को स्कैन करके आप पैसे भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालना है, कैसे आपको अपना बैंक अकाउंट भीम ऐप पर लिंक करना है, क्योंकि ये भीम ऐप पर ही ये जो ऑप्शन है काम करता है, तो कैसे आपको लिंक करना है, अगर पहले से यूपीआई पिन बना हुआ है जैसे फ़ोनपे, गूगल पे वगैरह पहले से यूज कर रहे हैं अपनी यूनियन बैंक का यूपीआई पिन, तो वहाँ पर जैसे ही बैंक ऐड करेंगे आ जाएगा। अगर नहीं यूपीआई पिन बनाए हैं तो मैं यूपीआई पिन कैसे बनाया जाता है तो वो भी मैं बताने वाला हूँ। कैसे आप भीम ऐप पर अपना बैंक अकाउंट लिंक करेंगे, कैसे अपना यूपीआई पिन बनाएंगे, कैसे बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम मशीन के क्यूआर कोड को स्कैन करके पैसे निकालेंगे, यहाँ पे ए टू जेड सारा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। हालांकि वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी। आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद सबसे ऊपर यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है VHIM, इस प्रकार से आपको लिख कर यहाँ पे आपको सर्च पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने देखिए भीम ऐप मोबाइल एप्लीकेशन आएगा, तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से लिखा हुआ भी मिलेगा, और यहाँ पे आपको इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब ये मोबाइल एप्लीकेशन आपका इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद ओपन का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर देखिए ये ऐप ओपन हो जाएगा इस प्रकार से। यहाँ पे देखिए प्लीज सिलेक्ट लैंग्वेज, यहाँ पे आपको अपनी भाषा चुननी है किस भाषा में आप इसे यूज करने वाले हैं इस ऐप को। जैसे मैं इंग्लिश में यूज करने वाला हूँ तो मैं यहाँ पे अपना इंग्लिश पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे अगला ऑप्शन देखिए इस प्रकार से आएगा, तो यहाँ पे जो प्रोसेस करना है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो और यहाँ पे आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। यहाँ पे कुछ परमिशन लोकेशन का देना होगा, तो आप यहाँ पे यूजिंग द ऐप पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको फिर से अलाउ पर क्लिक करना है, यहाँ पर फिर से इस प्रकार से आएगा, फिर से आपको अलाउ पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए आपको अपना सिम वेरिफिकेशन कराना होगा, तो यहाँ पे आपके मोबाइल में दो सिम होगा, दो सिम दिखेगा। जैसे हमारे मोबाइल में एक ही सिम है तो यहाँ पे एक ही सिम दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको सिम पर क्लिक करना है जो आपके बैंक अकाउंट से लिंक है, उस पर क्लिक करने का और यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखिए आपका सिम वेरिफिकेशन हो रहा है। सिम वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आपके मोबाइल में एक ओटीपी आएगा जो ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको देखिए पासकोड यहाँ पे आपको बनाना होगा इस ऐप का, तो यहाँ पे ये पासवर्ड जब ऐप ओपन करेंगे तो उस टाइम लगता है, तो आप चार अंकों का पासवर्ड कोई भी एक डाल देंगे। डालने के बाद देखिए आपका भीम ऐप ओपन हो गया है। अब यहाँ पे देखिए इस प्रकार से यूजर इंटरफेस दिखता है, तो यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट लिंक करने के लिए यहाँ पे ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपके सामने देखिए एक ऑप्शन मिलेगा ऐड बैंक अकाउंट का, तो यहाँ पे आपको ऐड बैंक अकाउंट पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देखिए इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो सभी बैंक मिलेंगे, तो अगर आपको बैंक अपना नहीं मिल रहा है, जैसे मेरा यूनियन बैंक है, तो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है यूनियन। जैसे ही आप लिखेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से देखिए आ जाएगा नीचे यूनियन बैंक, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए आपका बैंक अकाउंट यहाँ पर जो है लिंक हो जाएगा। लिंक होने के बाद इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद बैंक अकाउंट पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको यूपीआई पिन बनाना है, तो यहाँ पे आपको चौकोर बॉक्स पर क्लिक करना है और इसके बाद यस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको यूपीआई पिन बनाने के लिए यहाँ पर सेट यूपीआई पिन लिखा हुआ है, नीचे लास्ट 4 डिजिट डेबिट कार्ड नंबर और नीचे एक्सपायरी। यहाँ पे आपको अपना एटीएम कार्ड देखिए जो इस प्रकार से मिलेगा, हालांकि भी एग्जांपल के तौर पे हमारे पास दूसरा एटीएम कार्ड है, तो जो भी आपका यूनियन बैंक का एटीएम कार्ड होगा यहाँ पे एटीएम कार्ड के ऊपर जो ये सारे नंबर होंगे उसके लास्ट के ये जो 6 अंक आपको हैं वो आपको यहाँ पर 6 अंक डालना है, लास्ट के डालना है 6 अंक, और नीचे आपको एक्सपायरी मंथ ईयर डालना है। ये नहीं, ये आपको
जो कार्ड का एक्सपायरी मंथ ईयर है यहाँ पे लिखा होगा वो डालना है, यानी कार्ड के लास्ट 6 अंक डालना है नंबर, और नीचे आपको एक्सपायरी मंथ और ईयर डालना है। डालने के बाद यहाँ पे देखिए मैं भी अपना डाल दिया हूँ। डालने के बाद अब आपको यहाँ पे राइट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देखिए आपके सामने थोड़ा प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद आपके सामने देखिए इस प्रकार से एक OTP आएगा। OTP ऑटोमेटिक यहाँ फिल हो जाएगा, आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है प्लीज़ इंटर 4-डिजिट ATM कार्ड पिन। यहाँ पे आपको अपने ATM कार्ड का पिन नंबर डालना है। जैसे आप पैसे वगैरह निकालने जाते हैं तो वहाँ पे जो पिन नंबर डालते हैं वही पिन नंबर डाल के आपको अपना सबमिट पर क्लिक करना है, क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे अब आपको बोल रहा है सेट 4-डिजिट UPI पिन। अब आपको यहाँ पे अपने हिसाब से जो भी 4 अंकों का UPI पिन बनाना चाहते हैं वो 4 अंकों का UPI पिन डाल देंगे। डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 4 अंकों का फिर से आपको कंफर्म करने के लिए अपना UPI पिन डालना है, वही पिन नंबर फिर आप डाल देंगे दोबारा से और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे भीम ऐप पर जो यूनियन बैंक का अकाउंट का जो UPI पिन बनाना चाहेंगे वो अब यहाँ पर बन चुका है। भीम ऐप पर अपना यूनियन बैंक का अकाउंट लिंक करके अपना UPI पिन बना लेना है, जैसे मैं आपको दिखाया। बनाने के बाद अब आपको पैसे निकालने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के ATM पर आना है। ATM पर आपको इस प्रकार से बैंक ऑफ बड़ौदा का ATM मशीन मिलेगा। यहाँ पे ATM मशीन के पूरे स्क्रीन पर आपको देखिए इस प्रकार से ऑप्शन मिलेगा। देखिए जैसा लिखा हो बैंक ऑफ बड़ौदा और उसके नीचे कार्ड के बिना नकदी प्राप्त करें, उसके नीचे देखिए लिखा हुआ मिलेगा कार्डलेस कैश विड्रॉल। तो आपको इसी कार्डलेस कैश विड्रॉल पर क्लिक करना है पैसे निकालने के लिए। अब यहाँ पे अगला ऑप्शन आएगा, देखिए लिखा हुआ प्लीज सिलेक्ट ऑप्शन, उसके नीचे कैश विड्रॉल थ्रू UPI QR और उसके नीचे आपको मिलेगा कैश विड्रॉल मोबाइल। तो इसे छोड़ देना है, ऊपर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है कैश विड्रॉल थ्रू UPI QR कोड, इसी पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से अगला ऑप्शन आएगा, देखिए लिखा हुआ प्लीज़ एंटर अमाउंट, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको अमाउंट डालना है जो निकालने वाले हैं। यहाँ पे देखिए UPI भी लिखा हुआ है, और यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे जैसे नीचे लिखा हुआ है जो भी पैसा आप कम से कम 100 रुपये निकाल सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 रुपये तक ही निकाल सकते हैं, और पैसे इंटर करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। सबसे पहले आप जो भी पैसा निकालना चाहते हैं वो पैसे यहाँ पर एंटर करेंगे। जैसे मैं 500 रुपये निकाल के दिखाने वाला हूँ, तो यहाँ पर 500 रुपये एंटर किया। इसी प्रकार से आप पैसे एंटर करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए इस प्रकार से अगला ऑप्शन आएगा। यहाँ पे देखिए एक लिखा हुआ है UPI QR कोड, यहाँ पे ये सेकंड चलता रहेगा, और यहाँ पे 500 रुपये का इस प्रकार से QR कोड बन जाएगा। यहाँ पे स्कैन ऑथराइज यहाँ भी यूजिंग ऐप मोबाइल, तो यहाँ पे आप बैंक बड़ौदा पे से स्कैन कर सकते हैं, भीम से और CUB, ये 3 ही ऐप इस पर काम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये 500 रुपये का जो QR कोड है मेरा बन के आ गया है ATM मशीन की स्क्रीन पर। अब मैं इसे भीम ऐप को ओपन कर रहा हूँ इसे स्कैन करने के लिए। यहाँ पे भीम ऐप पे जैसे मैंने बताया दिखाया अपना यूनियन बैंक का अकाउंट लिंक किया हुआ है। अब यहाँ पे अपना जो पासकोड बनाया था अब अपना पासकोड डालेंगे। अब यहाँ पे देखिए स्कैन का ऑप्शन मिलेगा, उस पर स्कैन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्कैनर चालू हो जाएगा। अब जैसे ही आप भीम ऐप से इस QR कोड को स्कैन करेंगे इस प्रकार से स्कैन हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए आपको देखिए ATM कैश विड्रॉल और यहाँ पे आपको डिटेल दिखेंगे, तो यहाँ पे नीचे कन्फर्म पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे फिर से डिटेल कुछ दिखेंगे तो फिर से आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए आपको UPI पिन डालने का ऑप्शन आएगा, जो भी आपका UPI पिन होगा वो UPI पिन आपको यहाँ पे डाल के सबमिट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपके बैंक अकाउंट से तुरंत इस प्रकार से पैसे माइनस हो जाएंगे 500 रुपये, और यहाँ पे ATM मशीन की स्क्रीन पर देखिए 2 ऑप्शन मिलेंगे, तो यहाँ पे प्रेस कैश पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए प्लीज़ योर ट्रांजैक्शन प्रोसेस, और यहाँ पे देखिए आपके बैंक अकाउंट से 500 रुपये माइनस हो गए हैं, और अब आपको जो है देखिए यहाँ पे एक रिसिप्ट निकल के आ जाएगी और पैसे भी निकल के आ जाएंगे। अब यहाँ पे होम पर आपको क्लिक करके अब इसका काम ख़त्म हो गया है। तो अब हम इसे रखते हैं जेब के अंदर और पैसे अपने जो निकले हैं वो लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से आपको रिसिप्ट निकल के आ जाएगी सबसे पहले ATM मशीन से,
जो भी पैसे आप निकाले रहेंगे उसकी। और इसके बाद आपको एटीएम मशीन से देखिए इस प्रकार से 500 रुपया जैसे मैं निकाल के दिखाने वाला था, तो ये 500 रुपया निकल के मेरा आ गया। और यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे एटीएम मशीन की स्क्रीन पर थैंक यू बैंक ऑफ बड़ौदा एटीएम। इस प्रकार से बिना एटीएम कार्ड के आप पैसे निकाल सकते हैं यूपीआई के माध्यम से। यूनियन बैंक में अकाउंट है तो यहाँ पर देखिए, अब मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे देखिए कोई भी एटीएम कार्ड डाला हुआ नहीं है, नहीं तो आप बोलेंगे एटीएम कार्ड से निकाला हुआ हूँ। तो यहाँ पे देखिए कोई भी एटीएम कार्ड डाला हुआ नहीं है। इसी प्रकार से आप अपने बैंक अकाउंट को भीम ऐप पर लिंक करके पैसे निकाल सकते हैं बिना। तो जैसा कि आपने देखा, आप इसी प्रकार से बिना एटीएम कार्ड के बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम मशीन के क्यूआर कोड को स्कैन करके पैसे निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको ए टू जेड सारा प्रोसेस करके दिखा दिया, कैसे आपको भीम ऐप पर अपना बैंक अकाउंट लिंक करना है, कैसे आपको अपना यूपीआई पिन बनाना है। हालाँकि अगर आप पहले फ़ोनपे गूगल पे वगैरह पर आप अपना यूपीआई पिन बनाए हुए हैं तो वही यूपीआई पिन आपका वहाँ पर आ जाएगा, आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप अपना बैंक अकाउंट लिंक करेंगे भीम ऐप पर, तो यहाँ पे अगर आप यूपीआई पिन नहीं बनाए होंगे तो आपको जैसे मैं दिखाया सारा प्रोसेस, उस प्रकार से आप प्रोसेस करके बना भी सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसी प्रकार से पैसे निकाल सकते हैं बिना एटीएम कार्ड के, कहीं भी बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम मशीन लगा हुआ है वहाँ पर जाके। तो आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस प्रकार की वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड करते रहता हूँ। यहाँ पे अगर आपके मन में कोई सवाल या कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। यहाँ पे पैसे निकालने की बात है, आप कम से कम 100 रुपये निकाल सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 5000 रुपये तक ही निकाल सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम मशीन के क्यूआर कोड को स्कैन करके, और इससे ज़्यादा पैसे नहीं निकाल सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में इतना ही लिमिट है, आगे चल के ये लिमिट इंक्रीज यानी बढ़ जाए तो मैं नहीं बोल सकता।